हाय फ्रेंड्स, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल द एसेबल फन में, जहां मैं विशाल सिंह डेली आपके लाता हूं ऐसे बेस्ट से बेस्ट एक्सरसाइजेस और टिप्स। उम्मीद करता हूं आप उन्हें फॉलो कर रहे होंगे। हमारा एम है इंडिया को फिट बनाना, इसलिए अपने फैमिली रिलेटिव फ्रेंड्स सबको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। तो बात करते हैं आज की वीडियो की। हमें कुछ यूजर्स के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया इस प्रॉब्लम पर वीडियो बनाओ, और ये प्रॉब्लम फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड तो कॉमन है ही, साथ साथ इस लॉकडाउन में और भी ज्यादा कॉमन हो गई। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं मोटापे की। फ्रेंड्स, मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो एक बार शुरू हो जाए तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो घबराइए मत फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा मानना है नामुमकिन कुछ भी नहीं। वेट बढ़ने के बहुत से फैक्टर्स होते हैं, इसलिए हर फैक्टर को डिस्कस करने के लिए फ्रेंड्स हम इस वीडियो को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके बनाएंगे, ताकि आप भी बोर। तो मोटापे के लिए जहां भारतीय माओ का प्यार तो जिम्मेदार है ही, जो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में नजर आता ही है, साथ साथ और भी चीज जिम्मेदार है, जैसे हमारा डेली रूटीन, हमारी डाइट, हमारे स्ट्रेस, इमोशनल फैक्टर्स, मेडिकल कंडीशंस एंड जेनेटिक्स। इसलिए अगर आप मोटे हैं और पतला होना चाहते हैं, सो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइजेस, उनको ढंग से फॉलो कीजिए डेडिकेशन के साथ। मेरी गारंटी है कि आप अपनी स्लिम फिट बॉडी पा सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले डाइनिंग टेबल से। दोस्तों, मैं डाइटिंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज वेट लॉस के लिए बहुत ही अनहेल्दी तरीका है। इसके रिजल्ट तो जल्दी मिलते हैं, बट टेम्परेरी ही होते हैं। सो प्लीज डाइट स्किप ना करें, और जितनी हो सके प्रॉपर डाइट लें। तो सबसे पहले अपने किचन से रिफाइंड बटर इन सबको बाहर कर दीजिए, और इनकी जगह ऑलिव ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम सरसों का तेल भी कहते हैं, इसको अपने घर में लाइए। बिकॉज सरसों का तेल जो है हमारे हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सो बात करते हैं कि अब खाना क्या है। बहुत से जिम इंस्ट्रक्टर ऐसे होते हैं जो आपको एक लंबा चौड़ा डाइट प्लान दे देते हैं, जिसको ना तो हम याद रख पाते हैं ना ही फॉलो कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, डाइट प्लान को मारिए गोली। आज एक्चुअली आपको करना क्या है, खाने से आधा घंटा पहले पानी पिए, बिकॉज पानी से आपका पेट भर जाएगा और आप ओवर ईटिंग से बचेंगे। फ्रेंड्स, ओवर ईटिंग एक बहुत ही कॉमन कॉज है मोटापा बढ़ने का। जितना हो सके दिन में 3 बड़ी बड़ी मील्स ना लेकर 6 छोटी छोटी मील्स लें। दोस्तों, जितना हो सके लिमिट में खाएं, बिकॉज इससे आपकी डाइजेशन भी ईजी होगा। हो सके तो अपने खाने में सैलड ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऐड कीजिए, बिकॉज सैलड में जहाँ हमारी कैलोरीज कम होती हैं, वह इसमें फाइबर्स जो है हमारे जल्दी पेट भर देते हैं और इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, वैसे हमारा ह्यूमन नेचर की उनका उनकी जुबान पर कंट्रोल नहीं होता, अक्सर हम टेस्ट में ज्यादा खा जाते हैं। सो जहाँ मम्मी के हाथ के आलू के परौंठे बने होते हैं, हमें भूख होती है 2 की, हम 3-4 खा जाते हैं। तो इसलिए खाने में जितना हो सके कम मसाले यूज करें। एंड जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली बैली फैट की वीडियो में बताया था कि नमक का इस्तेमाल कम से कम करें दोस्तों। और तो आज बात करते हैं वर्कआउट की। वर्कआउट में आज हम करेंगे स्ट्रेचिंग और कार्डियो। कार्डियो में आपको कल की वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, तो आज हम करेंगे स्ट्रेचिंग। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। फ्रेंड्स, पहली जो हमारी स्ट्रेचिंग होगी वो होगी हमारे इधर कोबरा पोज, जिसे हम हिंदी में भुजंग आसन भी कहते हैं। एक आसन का पार्ट है, बट ये हमारी स्ट्रेचिंग में बहुत ही सुटेबल और फायदेमंद है। इससे आपकी लोअर बैक का फैट भी कम होता है। सो ये बताता हूँ मैं आपको इसकी पोजीशन क्या रहेगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, फ्लोर पे आपको उल्टा लेटना है, आपके हाथ दोनों चेस्ट के पास होने चाहिए, आपकी लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और जब आप लिफ्ट करेंगे तो आपको सांस लेनी है और ऊपर आपको पूरा होल्ड करना है। 15 सेकंड का होल्ड रखेंगे इसके अंदर, बिल्कुल सांस लिए रखनी है आपने। फिर स्लोली नीचे जाएंगे सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर एज इट इज दोबारा पोजीशन में दोबारा करेंगे स्ट्रेच, सांस ली, फिर देन नीचे। सो फ्रेंड्स, इसको आप 5 से 7 बार कीजिए और 10 से 15 सेकंड का आप ऊपर होल्ड करिए। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हमारा साइड लंजेस। साइड लंजेस की फ्रेंड्स पोजीशन क्या रहेगी मैं बता देता हूँ आपको। इसमें आपके दोनों पैर आपके थोड़े वाइड होंगे हल्के से, और जब आपके हाथ बिल्कुल सामने होंगे, इसका इफेक्ट पूरा हमारा थाई पर आएगा, इस समय टांगे जो पूरी खुल जाएगी। सो ये स्टार्ट करते हैं, इसकी पोजीशन क्या रहेगी, इसमें जब करना क्या आपको, जब नीचे आएंगे सो आपका ये पैर बैंड होना चाहिए, हाथ आपके स्ट्रेट, और आपका वो वाला पैर बिल्कुल स्ट्रेच होना चाहिए, आपकी ये चीज पूरी खिंच जाएगी इससे। एज इट इज आपको जो है सेकंड इसमें करना है, इसको पूरा
स्ट्रेच आपको देखना बिल्कुल सामने है एज इट इज ऐसे ऐसे ठीक है। इसी के आपको करने हैं कम से कम 15 से 20 रैप। सो नेक्स्ट जो होगी हमारी वो होगी हमारी इनर थाई स्ट्रेच। सो इनर थाई होता है तो आपको पोजीशन क्या रहेगी उसकी, दोबारा यहाँ पे चादर ले लेंगे, करना कुछ नहीं, सिंपल है एक्सरसाइज, बहुत ही ज्यादा सिंपल है फ्रेंड्स। आपको सीधा बैठना है बिल्कुल, दोनों पैर आपके ये जोड़ने हैं और उसको पीछे तक लेके आने, जितना आपके हो सके उतना पीछे लेके आ सके, मेरे तो बस इतने ही आते हैं। सो करना कुछ नहीं, आपने बिल्कुल अपनी ये टांगे जो है आपको ये बिल्कुल जमीन पे टच करनी जितनी हो सके। अब देखिए मेरे यहाँ पे टांगे टच है, आपको इनको होल्ड करना है कम से कम 15 सेकेंड, ऐसे होल्ड करके रखिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रेचिंग होगी वो होगी हमारी द ब्रिज। ब्रिज बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, फ्लोर पर लेटना है, अपने दोनों पैर से फोल्ड रखेंगे, हाथ आपके बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, जो बिगिनर्स हैं उनके हाथ में ज्यादा टच नहीं हो पाएंगे, बट जैसे हमारा एक्सपर्ट रहेंगे तो आपके हाथ जो है पूरे टच हो जाएंगे। करना कुछ नहीं है आपको, इसमें बस आपको लोअर बैक पर उठना है आपकी पूरी कमर के बल, ऐसे स्ट्रेच पूरा। इसका इफेक्ट आपके थाई पर, आपके लोअर बैक पर और आपके एब्स पर, आपके एब्स भी स्ट्रेच होते हैं फ्रेंड्स इससे, और आपकी लोअर बैक बहुत मजबूत हो जाती है इससे। इसका आपको होल्ड करना है कम से कम 15 से 20 सेकेंड, हाथ आपके बिल्कुल स्ट्रेट होल्ड रखें 10 से 15 सेकेंड कम से कम। ये था फ्रेंड्स द ब्रिज। आइए नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग फ्रेंड्स जो होगी हमारी, सो नेक्स्ट जो होगी हमारी वो होगी हमारी नी स्क्वीज। ये हमारी सेकंड लास्ट है, इसके बाद हम लास्ट करेंगे ट्राइसेप स्ट्रेच। नी स्क्वीज आपको कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, फ्लोर पे लेटना है आपको, दोनों पैर आपके क्रॉस होने चाहिए, अपनी फीट को जो है चेस्ट के पास लेकर आए और कम से कम 15 सेकंड का होल्ड करें। स्ट्रेच कर रहे हैं पूरा, ढीला नहीं छोड़ना है इसको, 15 सेकंड कम से कम होल्ड करें। इसके आपके एब्स पे इफेक्ट पड़ता है और आपके लोअर बैक पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है इससे। फिर इजी स्लोली नीचे। सो लास्ट जो हमारी स्ट्रेचिंग होगी फ्रेंड्स वो होगी हमारी ट्राइसेप स्ट्रेच। ट्राइसेप स्ट्रेच में करना क्या है आपको मैं दिखा दूं पोजीशन क्या रहेगी इसमें। इसमें आपको करना क्या है, दोनों हाथ आपके जो है क्रॉस होने चाहिए ऐसे, एक हाथ आपका यहाँ पर, और जब नीचे इधर आएंगे तो आपको ये पूरा स्ट्रेच करना है ऐसे, सेम एज इट इज आपको इस तरफ करना है ऐसे। आप कम से कम जो है 10 से 12 बारी करेंगे पूरा स्ट्रेच पूरा। टांगे नहीं मुड़नी चाहिए आपकी, टांगे आपके स्ट्रेट होने चाहिए, देखना आपको सामने है बिल्कुल, और यह पूरा स्ट्रेच इसको पकड़ेंगे और इसको पूरा स्ट्रेच कर देंगे। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी ट्राइसेप स्ट्रेचिंग। So, इसी के साथ हमारी आज की हमारी स्ट्रेचिंग खत्म होती है। सो दोस्तों ये थी आज की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वेट लॉस करने के लिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेट लॉस कोई ओवर द नाइट प्रोसेस नहीं है, जो आज आपने एक्सरसाइज करी कल आप पतले हो गए, इसलिए जब भी अपना डाइट रूटीन स्टार्ट करें सो उसमें पेशेंस रखें। बाकी दोस्तों सो नहीं तो अगर आप 50% भी मेरी बातें फॉलो करेंगे सो आई एम श्योर कि आपको अपने अंदर फर्क दिखेगा। कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कल हम आपके लिए और भी एक्सरसाइजेस और वर्कआउट्स लेकर आएंगे। तब तक घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्ते।